श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आप सभी को हम महाशिवरात्रि का एक उपाय बताने वाले हैं जो कि पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया है। इस उपाय को आप अपने घर के क्लेश समाप्त करने के लिए कर सकते हैं। आपसी मनमुटाव और लड़ाइयाँ समाप्त हो जाएंगी, चाहे वह घर में किसी से होती हो या बाहर किसी से होती हो। आप इस उपाय को अवश्य कर लें, घर में सुख शांति बनी रहेगी, आपसी मनमुटाव या लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आप इस उपाय को करने के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी नोट कर लीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 बाली चाहिए गेहूं की। गेहूं जब लगते हैं तो उनमें ऐसी बालियां आती हैं, वो 7 चाहिए हमें और ताजी बाली ही चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो देखिए, इन दिनों में महाशिवरात्रि के दौरान गेहूं की बाली बहुत ही आसानी से मिल जाती है, मार्केट में भी मिलती है। क्या क्या पूरी सामग्री रहती है वो भी हम बता देंगे महाशिवरात्रि के, लेकिन आज हम इस उपाय के साथ में हैं तो हम सिर्फ इस उपाय के लिए सामग्री बता रहे हैं। 7 गेहूं की बालियां ले लें और उस 7 गेहूं की बाली को महाशिवरात्रि के दिन अपने पूरे घर में से उतार लें। आप पूरे घर में घुमा लें और उसे जा करके मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित कर दें। अपने नाम और अपने गोत्र बोल करके शिवलिंग पर समर्पित करें, अपने घर की सुख शांति के लिए अपने नाम और गोत्र के साथ ही समर्पित करना है और भोलेनाथ से विनती करनी है अपने घर में खुशहाली और सुख शांति के लिए। आप यह उपाय शिवरात्रि के दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन करें। और उपाय जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही बहुत से उपाय हम बताने वाले हैं, हमारे चैनल पर मिल भी जाएंगे आपको। पूरी पूजा सामग्री, पूजा विधि, हर एक चीज़ हम अलग अलग चीज़ों के उपाय भी बताने वाले हैं। पूजनीय गुरु पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और भी वीडियोस हैं उन्हें भी देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।